नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो दोस्तों, इट्स टाइम फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट टी20 लीग। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की, जिसकी शुरुआत होने जा रही है 26 मार्च से, जहां पर 26 मार्च को पहला मुकाबला खेला जाएगा डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। ऐसे में दोस्तों, इस पहले मुकाबले से पहले ही दोनों टीमों के लिए कुछ बुरी खबर निकल कर आई है, क्योंकि दोनों टीमों के कुछ बड़े खिलाड़ी इस पहले मुकाबले के लिए अनअवेलेबल हैं और ऐसे में ये वो मुकाबला मिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वो खिलाड़ी कौन से हैं, मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगा। इसके अलावा इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस पहले मुकाबले में किस प्रकार की नजर आ सकती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए उन खिलाड़ियों की जो इस पहले मुकाबले को मिस करने वाले हैं। तो अगर चेन्नई सुपर किंग्स टीम की तरफ से बात की जाए तो सीएसके की टीम की तरफ से तीन खिलाड़ी ये पहला मुकाबला मिस करेंगे, जिसमें से पहला नाम आता है दीपक चहर का, जिनको इंजरी है और वो आईपीएल 2022 के काफ़ी ज़्यादा शुरुआती मैचेस में नहीं खेलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं ड्वेन प्रिटोरियस इस समय साउथ अफ्रीका की जो सीरीज चल रही है बांग्लादेश के साथ, उसमें बिजी हैं, इसलिए वो भी पहले मुकाबले के लिए अनअवेलेबल हैं। इसके अलावा दोस्तों, मोइन अली भी इस पहले मुकाबले के लिए अनअवेलेबल हैं, क्योंकि वो अभी तक इंडिया नहीं पहुंचे, क्योंकि उनका कुछ वीजा इशू चल रहा है इस वजह से। वहीं अगर केकेआर की बात की जाए तो केकेआर की तरफ से दो खिलाड़ी इस पहले मुकाबले के लिए अनअवेलेबल होंगे, जिसमें शामिल है पैट कमिंस और एरन फिंच, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के साथ बिजी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है पाकिस्तान के साथ, इस वजह से ये दोनों खिलाड़ी भी आपको अनअवेलेबल नजर आएंगे पहले मुकाबले के लिए। तो दोस्तों, ये वो पांच खिलाड़ी हैं जो इस पहले मुकाबले के लिए अनअवेलेबल रहने वाले हैं। और अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के इस पहले मुकाबले के लिए सीएसके और केकेआर दोनों टीमों की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें, तो आपको इनकी प्लेइंग 11 में ओपन करते हुए नजर आएंगे डिवॉन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़, और ये पूरी तरीके से कन्फर्म है कि यही दोनों खिलाड़ी ओपन करने वाले हैं। इसके अलावा अगर नंबर तीन की बात की जाए तो यहाँ पर यूजुअली मोइन अली खेलते हैं, लेकिन मोइन अली पहले मुकाबले के लिए अनअवेलेबल है, तो ऐसे में उनके स्थान पर मुझे लगता है कि टीम रॉबिन उथप्पा के साथ जाने वाली है, क्योंकि रॉबिन उथप्पा एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, आईपीएल में पहले भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा पिछले सीजन भी इन्होंने सीएसके के लिए अच्छी पारियां खेली थी। वहीं पर अगर नंबर चार की बात की जाए तो मुझे लगता है कि नंबर चार पर टीम शिवम दुबे को आजमाने वाली है। इसके अलावा नंबर पांच, छह और सात की बात कर लें तो यहां पर एज इट इज अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी आपको नजर आने वाले हैं। वहीं अगर नंबर आठ की बात की जाए तो यहां पर मुझे लगता है कि सीएसके की टीम ड्वेन ब्रावो के ऊपर एक बार फिर से ट्रस्ट करने वाली है, क्योंकि ड्वेन ब्रावो ने नंबर आठ पर हमेशा से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार भी मुझे लगता है कि टीम उन्हीं पर भरोसा जताएगी। वहीं अगर नंबर 9 की बात की जाए तो यहां पर यूजुअली दीपक चहर खेलते थे, लेकिन वो इंजरी की वजह से शुरुआती कई मैचेस से बाहर हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन दोस्तों, उनके स्थान पर मुझे लगता है कि टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के ऑलराउंडर जो थे राज्यवर्धन हंगारगेरकर, उनके साथ जाने वाली है, क्योंकि हमने कई सारी पिक्चर्स देखी थी नेट प्रैक्टिस के दौरान, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी राज्यवर्धन हंगारगेरकर के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके खेल को सुधारने के बारे में भी बातचीत हुई होगी। तो यहां पर मुझे लगता है कि टीम गेरकर को एज ए रिप्लेसमेंट देख रही है दीपक चहर का, और नंबर 9 पर आजमाते हुए नजर आ सकती है। वहीं अगर नंबर 10 और 11 की बात की जाए तो यहां पर आपको तुषार देशपांडे और एडम मिलने खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स टीम की इस पहले मुकाबले में नजर आ सकती है। इसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, केकेआर की टीम ने इस बार एलेक्स हेल्स को अपनी टीम में साइन किया था, लेकिन एलेक्स हेल्स ने आईपीएल 2022 से अपना नाम वापस ले लिया है और उनके एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर एरन फिंच को शामिल किया था। लेकिन एरन फिंच भी इस पहले मुकाबले के लिए अनअवेलेबल रहेंगे, क्योंकि एरन फिंच इस समय ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ है और वो उनके कप्तान है, और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की इस समय यहां पर सीरीज भी चल रही है। तो इसलिए दोस्तों, यहां पर ओपन कौन करेगा केकेआर के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि आपको केकेआर के लिए इस पहले मुकाबले में ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं वेंकटेश अय्यर के साथ अजिंक्य रहाणे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे आपको ओपनिंग में स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा उनके पास एक्सपीरियंस भी है। वहीं पर लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी बनेगा, जो कि केकेआर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। वहीं अगर नंबर तीन की बात की जाए तो यहां पर आपको कप्तान श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आने वाले हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इसके अलावा नंबर चार की बात की जाए तो यहां पर आपको एज इट इज नीतीश राणा खेलते हुए नजर आएंगे। अब अगर नंबर पांच की बात कर ले तो यहां पे आपको मुझे लगता है विकेटकीपर बैट्समैन सैम बिलिंग्स खेलते हुए नजर आने वाले हैं, और सैम बिलिंग्स एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं केकेआर के लिए, क्योंकि वो विकेटकीपिंग का ऑप्शन भी देंगे, इसके अलावा वो फिनिशिंग का रोल भी अदा कर सकते हैं और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इसके अलावा सैम बिलिंग्स को केकेआर का टीम मैनेजमेंट एज अ ओपनर भी इस्तेमाल कर सकता है, तो बेहतरीन ऑप्शन
बनने वाले हैं सैम बिलिंग्स। वहीं अगर नंबर 6 की बात की जाए तो नंबर 6 पर आपको एज इट इज आंद्रे रसल मसल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए नंबर 7 की तो नंबर 7 पर आपको सुनील नारायण खेलते हुए नजर आएंगे। सुनील नारायण को टीम अप ऑफ द ऑर्डर भी ट्राई कर सकती है, इसके अलावा नीचे भी ट्राई कर सकते हैं। वहीं अगर नंबर 8 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पैट कमिंस की जगह टिम साउदी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जब पिछली बार पैट कमिंस अनअवेलेबल हुए थे आईपीएल में तब भी केकेआर की टीम ने टिम साउदी को साइन किया था और वहां पर टिम साउदी ने ही मुकाबले खेले थे। तो मुझे लगता है कि टिम साउदी ही यहां पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे पैट कमिंस की जगह। इसके अलावा अगर बात की जाए नंबर 9, 10, 11 की तो यहां पर आपको उमेश यादव, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और शिवम मावी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से इस पहले मुकाबले में नजर आ सकती है। दोस्तों ये रही पहले मुकाबले के लिए सीएसके और केकेआर दोनों टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि किस प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमों इस पहले मैच में उतर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों इस पहले मुकाबले के लिए आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले हो और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम ये पहला मैच जीतेगी, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।